Electric potential due to uniformly charged disk. Uniformly charged disk. Disk ke karan batao. Surface charge density sigma hai. At a point P, which is at a distance. Disk ke karan batana hai. Disk batao, pure jagah hai na, charge pure mein hai is par. Har jagah charge hai. कर लिया क्या? अरे वही करोगे ना, रिंग मानोगे ठीक नहीं आ रहा होगा फिर, अगर नहीं बच रहा तो देख लो, गलत तो नहीं करा, हो गया क्या आया? पहले के को 4πε0 लिख दो, तो सिग्मा बाई 2ε0 आ गया, फिर ए स्क्वायर बाई एक्स, ए स्क्वायर बाई एक्स है ये, अरे ये तो गलत सा लग रहा है, इंटीग्रेशन पे रुक गए। आर क्या है? आर अच्छा रेडियस, वो मानिए रिंग की रेडियस, छोड़िए देख लेना मैं कर रहा हूँ। चलो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, आर रेडियस की डी आर विड्थ है ना, यही करते हैं, आर रेडियस की रिंग मानी जिसकी विड्थ कितनी है डी आर, तो इस रिंग पे चार्ज कितना है? सबसे पहले तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, और डी ए कितना है 2πr डी आर, चार्ज आ गया। अब यहाँ पर पोटेंशियल बताओ इस रिंग के कारण, एलिमेंट्री रिंग के कारण पोटेंशियल कितना आएगा? के अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला है ना रिंग का, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आएगा। तो और डी क्यू को क्या रख देंगे अपन, के सिग्मा 2πr, और k की जगह क्या रख देते हैं 1/4πε0 सिग्मा 2πr dr डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखो क्या आ गया भाई तुम्हारा, 2π से 2 आया ये, तो नेट पोटेंशियल चाहिए तो इंटीग्रेंट dv, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा बाई 2ε0, तो कांस्टेंट आ रहा है, इंटीग्रेंट आर डी आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो आसान सा आ रहा है यार, क्या दिक्कत है इसमें? लिमिट 0 से बहुत ही आसान है ये तो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, एक्स कांस्टेंट है अब है ना, इसको मान लो कुछ वाई, मान लो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कुछ वाई स्क्वायर मान लो, तो क्या आ जाएगा 2r dr कितना हो जाएगा तुम्हारा 2πdy, तो r dr तुम्हारा ydy के बराबर आ गया। देखो क्या बन रहा है तुम्हारा, पोटेंशियल आ गया सिग्मा बाई 2ε0 इंटीग्रेंट r की जगह पे, चलो इससे तो काम नहीं बन रहा, पर इससे तो काम नहीं बन रहा है, तो क्या होता है कि इसका जो ये वाली जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर है तुम्हारे पास। अच्छा जरूरत नहीं ना, आर डी आर वाई डी वाई बन तो रहा है, तुम्हें एग्जैक्टली रखने की जरूरत नहीं, आर डी आर सीधा सीधा क्या बन रहा है वाई डी वाई, हो गया देखो, हाँ हो गया ना सॉल्व। देख ट्रिग्नोमेट्री वाला बिल्कुल रख सकते हो, पर वो डिफिकल्ट पड़ेगा, ये बिल्कुल आसान पड़ जाएगा, आर डी आर को वाई डी वाई रख दिया और रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा वाई बन गया तुम्हारा, तो बता रहो ये कितना सिंपल बन रहा है, वाई से वाई चला गया। लिमिट बोलो जल्दी वाई की, जब तुम्हारा r 0 है तो y की लिमिट क्या है, और जब r तुम्हारा a हो गया तो y कितना हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, तो पोटेंशियल कितना आया सिग्मा बाई 2ε0 इंटीग्रेंट डी वाई इज y और लिमिट इज x टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल आ गया सिग्मा बाई 2ε0 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ध्यान रखना इस रिजल्ट को, मैंने भी तो रेडियस वेरी करी है।
अच्छा उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। हाँ ठीक है बोल सकते हो, मैंने भी तो रेडियस में करा है, करा तो उसको फिर बाद में कन्वर्ट कर दिया उस फॉर्मेट में। अभी जब तुम पढ़ लोगे ना इंडेफिनेट इंडिकेशन तो ये सब तो दिमागी दिमाग में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा था इसके अंदर जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव मेरे पास ऊपर तैयार रखा है, तो बहुत आसान हो जाती है जब ऐसी सिचुएशन होती है। तो देखा ना इंटीग्रेंट डी वाई बन गया वो सीधा, डिफरेंशिएट मारो जरा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो आर स्क्वायर का 2r आएगा, डी आर, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया। हाँ उसके टर्म में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा क्योंकि वो तब करते जब ऊपर ये r नहीं होता, तो ये r ने आसान कर दिया इसको, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर तैयार पड़ा है मेरे पास, वो बहुत आसान बना देता है इसको।